हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोवी सौरभ एक्स। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये कुछ मेरी जर्नी या को जर्नी समझ सकते हैं। तो ये है आज से बहुत 3 साल पुरानी बात, जो कि मेरा एडिटिंग का शौक था। उस टाइम पे मेरे को हिप हॉप एंड एडिटिंग का जितने भी शौक थे सबका शौक था। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करा करता था, नॉर्मल जैसे कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह या पिक्चर्स वगैरह कुछ भी हो गई सबकी एडिट करा करता था। एंड फिर धीरे धीरे मेरे पास सैमसंग J2 का पापा के पास फ़ोन था, उससे एडिट करने स्टार्ट करा मैंने। उससे मैंने पिक्चर्स एडिट करी, वीडियोस एडिट करे, फ़ोटो वगैरह एडिट करा। तो मेरे को मोटिवेट मिलता था इन सब चीज़ों से, मतलब मेरे घर वाले सब बोलते थे अच्छी एडिटिंग है, बाहर वाले दोस्त वगैरह। तो इन सब चीज़ों को देख देख के फिर मैं धीरे धीरे, मेरा दिमाग और हाथ मतलब सब सेट हो गया था एडिटिंग के ऊपर। टूल्स वगैरह सब पता चल चुके थे मेरे को, किसी भी ऐप में किसी भी सॉफ्टवेयर में सबके टूल्स पता है मेरे को आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपना माइंड सब कुछ जितना भी हो सकता था मेरे तरफ से मैंने सब कुछ अपना तन मन सब लगा दिया एडिटिंग में। फिर मैं धीरे धीरे मेरे पास फ़ोन आया। तो वो कैसे आया इसके आगे की हिस्ट्री जाने। तो उस टाइम पे मैं मतलब फ़ोन नहीं था, घर वाले भी जल्दी फ़ोन नहीं देते थे। तो उस टाइम पे मैंने फिर काम करा बाहर जाके, तो काम करके फिर मैंने एक फ़ोन लिया जो कि एक था टेक्नो स्पार्क्स, जो न्यू लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। तो इस टेक्नो स्पार्क्स फ़ोन लिया था। तो मैंने उस टाइम पे काम जॉब वगैरह करा था, मतलब जो भी था मेरे पास, जो भी काम मिला मैंने करा, पैसे इकट्ठे करे। फिर एक फ़ोन ले लिया मैंने 9000 रुपये का, और उसके बाद से फिर उस फ़ोन से मैंने एडिटिंग एंड अपना यूट्यूब चैनल जो कि आज मेरा नोवी सौरभ एक्स देख रहे हैं आप लोग, तो उस पर मैं एडिटिंग टूल्स वगैरह डालता था फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, यूट्यूब्स के बारे में, आईफोन इमोजेस के बारे में सब डालते। तो एक वीडियो मेरी अचानक से वायरल हो गई, आईफोन इमोजी मी इमोजी। तो उस पर गए थे करीबन 3-3.5 लाख व्यूज़, जैसे कि आप लोगों ने पता ही होगा, देखा ही होगा। तो उस पर 3.5 लाख व्यूज़ गए। फिर उसके बाद से मेरे सब्सक्राइबर गेन हुए, फिर मेरे को अच्छा लगा, डालता गया। बीच में 1-2 व्यूज़ भी नहीं जा रहे थे, 1-2-3-4 ऐसे। मैं बिना रुके सीधा अपना वीडियोस पे फोकस रखा एंड एडिटिंग के बारे में, फिर डालते गए। फिर इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रहा था रैप का और वीडियो को लेके, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने जितने भी पार्ट्स थे, इफेक्ट्स थे, फिर मैंने धीरे धीरे बताया यूट्यूब पे, समझाया सबको। तो मेरे को सब्सक्राइबर्स से एंगेज हुए बड़े। तो फिर मैं रैप कोर्स की वीडियोस डालते गए। तो आज फाइनली मेरे 12,600-12,700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं इससे। और मैं रुका किस कारण था, जो कि मेरे बीच में रुकने का कारण ये था, बीच में मैं इसलिए रुका था, मंथली में 4 मंथ के बाद वीडियोस, 3 मंथ के बाद, तो फिर मैं स्टॉप इसलिए हो गया था। 1 साल गैप क्यों था, इसलिए था क्योंकि मेरे पास थी एक जीएफ थी, उसका नाम मैं बता नहीं सकता, बट जो भी है, बट आप लोगों को मैं बता दूँ अपनी तरफ से, आप लोग कभी भी लाइफ में प्यार मत करना। बट लाइफ में कभी भी एक बात बताऊँ आप लोगों को, आप लोग कभी भी लव के प्यार वैर के चक्कर में मत पड़ना, वरना आपके करियर जो भी है आप उसमें एकदम ढल जाओगे, आगे का कुछ नहीं सोच पाओगे। आज मैं कंटिन्यू होता तो आज मेरे 50 के सब्सक्राइबर कहीं नहीं होते। तो कुछ ऐसे ही समझो मेरे साथ जो हुआ, बट उसे भूलो, अब जो होने वाला है अब उसे याद रखो। और मैं आपको बता दूं, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैंने भी मेहनत करा है, 3-4 साल मेहनत करा है, 2016 से स्टार्टिंग है, वहाँ से सीखते करते तो आज मैं फाइनली 2023 में यहाँ तक आया हूँ। मुझे उम्मीद है अपने ऊपर कि मैं आगे भी ऐसा कर सकता हूँ। बीच में इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी, आप लोगों को पता ही होगा, वीडियोस जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, घर के प्रॉब्लम्स एंड जॉब एंड स्कूल टेंशन जो भी था अब सब क्लियर हो चुका है। अब वीडियोस कंटिन्यू आई करेंगी, रैप कवर जिसके ऊपर भी कंटिन्यू मैं वीडियो रखता हूँ, थंबनेल एंड यूट्यूब से रिलेटेड, रील से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड हों वीडियो, सबके ट्यूटोरियल्स आएंगे यूट्यूब पे अब मेरे चैनल्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी वीडियोस अपने दोस्तों पे सब पे शेयर करें। और ये जर्नी बस कुछ ऐसा ही था, इसलिए बताया मैंने ताकि आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि मैं अब हो रहा हूँ कंटिन्यू यूट्यूब पे दोबारा से,
तो बस ऐसे ही कुछ जर्नी इसलिए बताया मैंने आप लोगों को, और शॉर्टकट में इसलिए बताया ताकि आप लोग लंबी वीडियो नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाया। और आप लोग समझो इस बात को और समझो और समझाओ कि अब मैं बैक हो चुका हूँ, और आप लोग समझ गए होंगे कि क्योंकि मैं अपनी कहानी किस तरीके से बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या क्या बीत चुकी हैं, और आप लोग समझ गए होंगे मेरी वीडियोस क्यों नहीं आई एक साल के अंदर, लॉन्ग वीडियोस, लंबी वीडियोस एंड इतने साल गैप क्यों था मैं, इसलिए था। तो सब कुछ आपको पता चल चुका है, तो अब कंटिन्यू रहेंगे वीडियोस जितनी भी हैं, सब कंटिन्यू आएंगा। तो अब कुछ उम्मीद बांध के मैं दोबारा वीडियोस अपलोड करूँगा, दोबारा से खड़ा होऊंगा। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना अपना, और लाइफ में कभी भी दोस्त मत पालो, अपने काम को जितना हो सके उतना दबा के मन लगा के करो काम, बट दोस्ती पे एंड लव पे कभी विश्वास नहीं, ठीक है। तो बस मैं इतने कहना था, ये कुछ मेरी ऐसी छोटी मोटी जर्नी थी, इसे मैंने लॉन्ग में बताया, बस आप लोग इतने में समझ जाओ। आगे का क्या होगा क्या नहीं पता मुझे, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो। प्लीज़ स्टार्ट हो चुका है तो बस अपना प्यार बनाए रखना। आप लोगों को जर्नी पता चल गई होगी, छोटी मोटी जर्नी थी, आप लोग समझ जाओ इससे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को नई वीडियो के साथ दोस्तों, और नए इंट्रो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्यार बनाए रखोगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।